बताओ भैया। तैयारी हाँ जी नहीं वो सब तो ठीक है, शब्दों में बयां करो ये सब तो ठीक है, ये हाथ हाथ ये बुरसुली वाला सिस्टम बंद करो। अब हमारे मोदी जी चाहते हैं कि आप पूरी जानकारी दो। अभी पीछे अमेरिका ने गुब्बारा गिरा दिया था तुम्हारे चाइना का, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से भी कुछ नुकसान हो जाए। हाँ जी महाराज, देखिए तुम कुछ नहीं बोलोगे तो तुम्हारे देश की बदनामी होगी, तुम्हारे राष्ट्रपति कलंकित हो जाएंगे, तुम्हारी सेना बेशर्मी के मारे बेचारी पसीस पसीस के नीचे गिर जाएगी, तुम्हारे देश के लोग अपने आप को क्या क्या समझेंगे महसूस कर सकते हो। कैलाशा देश के प्रधानमंत्री की वो है ये आत्मा, आत्मा क्या नाम है उनका, नित्यानंद स्वामी, तो कम की आत्मा आ गई है कैलाशा से, कम से कम स्वामी नित्यानंद की आत्मा है तहजीब के साथ। जरा मैं भी यही चाहता हूँ प्रभु, स्वामी नित्यानंद की आत्मा है ये, साक्षात शिव 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 वाला स्वरूप है इसका। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखो भोले के रूप में ये भंडारी चला आया हो और हमारे देश के लिए बवाल आया हो। अरे पूछो स्वामी आपका कैलाशा राज्य कैसा चल रहा है। भाई आपके राजपाट में सब ठीक ठाक है, भूख मगरी तो ना है, पाकिस्तान तो भूखा मर गया अभी पता लग रहा है। क्या कह रहे हो, 5-5 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, भूखे मर रहे हैं। ये 5 तत्व गिनवा रहे तुम्हें, ये कह रहे हैं 5-5 दिन तक रोटी नहीं मिल पा रही है। भाई ऐसा है देखो सुनो, अगर तुम रोटी खाने आए हो हमारे देश में तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें रोटी खिला देंगे, लेकिन लेकिन भूखे को रोटी खिला सकते हैं हम। अब ये नहीं है कि तुम यहाँ परेशानी वाला काम करो फिर हम यहाँ मार भी देंगे, हमारे यहाँ जलाने की रिवाज है। क्या कह रहे हो, शपथ ले रहे हो। परम पूज्य मनु भैया जी को साक्षी मानकर मैं कसम खाता हूँ कि इस देश से तुम्हें भगा के रहूंगा अगर तुमने यही हाल किया। तुम तो बहुत ही बेशर्म हो यार। हैं? कोई इज्जत नहीं है मार्केट में, कोई इज्जत नहीं है आपकी। गुरुजी ये तो बहुत ही बेशरम थे, कुछ बोल के ही नहीं गए, पानी भी नहीं मांगा ऐसे ही डूब गए। बता तो गया आपको कि 5 दिन बाद ऐसे करते हैं, आप समझे ही नहीं। माता जी ऐसे प्रेत के लिए क्या कहेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को खूब लाइक करना, क्योंकि आपने देखा कि हमारे यहाँ बेशरम प्रेत आया जिसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, जिसके बारे में यहाँ जग हंसाई खूब हुई और इसके देश की भी खूब बुराई हुई, लेकिन उसके बाद भी